वहीं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 और साल 2021 में हीट स्ट्रोक से राज्य में एक भी मौत नहीं हुई थी, मगर इस साल अप्रैल तक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग का साफ कहना है कि मई के महीने में लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मुंबई के गोरेगांव के प्रेम नगर इलाके में एक बेकरी चलाने वाले 23 साल के मोहम्मद अंसारी को पुलिस ने एक 18 साल की लड़की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। लड़की का शव गुरुवार को वर्सोवा बीच से बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अंसारी ने मृतक सोनम शुक्ला का गला घोटकर हत्या किया और उसके बाद बोरी में भरकर लाश को नदी में फेंक दिया था। बहरहाल आरोपी मोहम्मद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर मनसे नेता राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का लाउडस्पीकर का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि नहीं हटाया गया तो क्या होगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। वही मनसे की लाउडस्पीकर अल्टीमेटम दोहराए जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्नाव के निजी अस्पताल में काम करने वाली लड़की की हत्या और रेप का मामला सामने आया था, मगर अब इसमें एक नया खुलासा हुआ है। एक चैनल से बात करते हुए उन्नाव के एडिशनल एसपी ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हैंगिंग की वजह से इसकी मौत हुई है।